इंदौर की डीआरपी लाइन में गुरुवार को एक आयोजन में सब्जियों व अन्य घरेलू चीजों से होली पर्व के लिए हर्बल कलर बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। होली पर्व के आते ही हमारे चारों ओर रंग बिरंगे रंगों की बातें होने लगती है। हर कोई होली खेलना चाहता है, लेकिन रंगों से होने वाले इन्फेक्शन के कारण इस पर्व से आम जन की दूरियां बढ़ती दिख रही है। इसी कड़ी में संस्था आशीर्वाद व कलांजलि वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यहां के स्पोर्ट्स क्लब में पुलिसकर्मी युवतियों को पालक, मेथी, हल्दी, चुकंदर, गुलाब सहित कई फूलों से हर्बल कलर बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदुस्तान में होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्यौहार को सिर्फ होली के लिए नहीं, सिर्फ रंगों के लिए नहीं, ये त्यौहार है भाईचारे, एकता और अपनेपन का। त्यौहार के इसी पावन अवसर पर हम मौजूद है पुलिस डीआरपी लाइन में, जहां पर पुलिस कर्मियों की महिलाओं को हर्बल कलर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं यहीं पे सम्मिलित कुछ महिलाओं से। होली का त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में आशीर्वाद फाउंडेशन के द्वारा एक पहल की गई है, जिसमें पुलिस के परिवार की महिलाओं और बच्चियों को यहाँ पर हर्बल कलर बनाना सिखाया गया है, जिससे ये जागरूकता फैले कि चूंकि मार्केट में आज की डेट में बहुत सारे केमिकल युक्त कलर अवेलेबल हैं, तो हम उनको ना खरीदते हुए घर में किस तरीके से फलों से और सब्जियों से, फूलों से रंग बना सकते हैं और बहुत आसानी से, तो हमें उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। एक बदलाव की ज़रूरत है हमारे समाज को, जिससे कि हमारी त्वचा भी सुरक्षित रहे और हमारा समाज भी सुरक्षित रहे, उसको ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है, जिसमें मैडम हमारे साथ में मौजूद थी, हमारी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और यहाँ पर पुलिस के परिवार की जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो वाकई में सराहनीय था, जिससे एक जो है एक मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है समाज में कि लोग आगे आ रहे हैं एक बदलाव के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही संस्था का उद्देश्य है और यही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था। देखिए, इसके पीछे भी एक खास वजह है। पुलिस 365 दिन हम लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, ना दिवाली ना दशहरा कुछ नहीं देखती है, दिन रात जो है चाक चौबंद रहती है सड़कों पर, चौराहों पर। ऐसे में होली का जो त्यौहार होता है, होली वाले दिन भी वो जो है पूरी तैनाती में अपना समय गुजारती है। होली के अगले दिन उनकी होली जो है वो आप लोग भी जानते होंगे काफी धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा ये पहल की गई है कि जो हमारी पूरे साल भर सुरक्षा और रक्षा का ध्यान रखती है, तो एक दिन हमें भी मिला है कि हम उनके और उनके परिवार के लिए कुछ सोचें, और वही आज के इस पूरे एक्टिविटी का मकसद था। संदेश मेरा दो यहाँ पर मैं बात कहूंगी। होली का पर्व बहुत कलरफुल होता है, धूमधाम के साथ में मनाना चाहिए, लेकिन हुड़दंगियों ने इसको पूरी तरीके से दूषित कर दिया है। आप लोग ध्यान में रखिए, हर्बल कलर का उपयोग करिए, जानवरों को, पशु पक्षियों को कलर बिल्कुल ना लगाइए, ये कलर इंसानों के लिए है। थोड़ी सी इंसानियत आप लोग भी दिखाइए और इंसानों के साथ में होली खेलिए, किसी बेसहारा को, किसी वृद्ध को कलर ना लगाइए, जिससे कि उनको परेशानी हो जाए। अच्छे से होली खेलिए और अच्छे से इस कलरफुल त्यौहार को मनाइए, यही हमारा संदेश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो प्रशासन है वो इसमें बढ़ चढ़ कर काम करता है, हुड़दंगियों पर नजर रखी जाती है, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी, नगर निगम के द्वारा भी। सफाई में तीसरी बार हैट्रिक लगाई है इंदौर शहर ने, ऐसे में इंदौर वासी काफी समझदार हैं, उनकी वजह से ये हैट्रिक लग पाई है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहने की जरूरत होगी। वो खुद इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि किस तरीके से हमको होली खेलनी है और चौथी बार इंदौर को नंबर वन बनाना है। होली पर्व उसमें से एक है कि हमको ध्यान में रखना है और स्वच्छता का भी ध्यान हमको रखना है। दिव्या विजयवर्ग, आज जो मैम ने यहाँ पे कलर बनाना हम लोग को सिखाया है, वो देख कर हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि लाइफ में आई थिंक फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे जो नेचुरल कलर बनाना सीखा, और वो भी वेजिटेबल्स के यूज़ से एंड फूड कलर के यूज़ से, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लाया था। एंड नेक्स्ट जब भी होली आएगी या जब भी ऐसा कभी फेस्टिवल होगा और कलर बनाने की जब भी बात आएगी, सीरियसली हम लोग तो यही वाले कलर यूज़ करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम, जो भी योर टीम आई है उनके लिए वेरी वेरी थैंक यू। हाँ, आशीर्वाद की तरफ से हम सारी गर्ल्स उनको थैंक्स बोलना चाहिए, उन्होंने हमें इतनी अच्छी चीज़ बनाना सिखाई है। इसमें जो लाल भाजी थी, एक थी लाल भाजी जिससे हमने रेड कलर बनाना सीखा, दूसरा पालक थी सीखा है, और एक हल्दी जो कच्ची हल्दी होती है उसको भी मतलब मिक्स करके बनाने के, और येलो कलर बनाना सीखा है, और भी कई प्रकार के कलर हैं जिससे बहुत अच्छा कलर मतलब नेचुरल कलर बनाना सीखा है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमने ड्राई कलर्स के लिए जो है फूड कलरिंग यूज़ की है,
जितने भी ड्राई कलर्स गुलाल बनाए हैं उसमें हमने अरारोट को, ड्राई अरारोट था उसमें, फूड कलर्स जो रहते हैं उसको लिक्विड बना के उसमें मिक्स करके उसको मतलब हवा में ड्राई किया है, धूप में नहीं ड्राई किया, और उसमें फिर थोड़ा सा एसेंस के लिए हमने इत्र को ऐड किया ताकि उसमें जो मार्केट की तरह जो वो आती है फ्रेगरेंस आती है वो आए। और वो जो कलर्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उनको हम खुद के स्किन पर अप्लाई किए हुए हैं अभी, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है। और जो मार्केट के कलर्स होते हैं वो थोड़े केमिकल्स तो होते हैं बट थोड़े दानेदार टाइप के होते हैं, तो वो इस वो चीज़ इसमें नहीं है। एंड जो उसमें केमिकल्स होते हैं वो स्किन के लिए बहुत ख़राब होते हैं, बट इसमें ये फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फूड कलर्स से बनाए, तो बहुत 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 प्यारा कलर है, कोई रबिंग नहीं हो रही है स्किन। हाँ, डेफिनेटली हम इस होली तो यही कलर यूज़ करने वाले हैं, होप सो आगे भी हर होली पर हम खुद इसको बनाएं और वही यूज़ करें। हैप्पी होली टू ऑल। तो ये थी हमारी खास बातचीत पुलिस कर्मियों की महिलाओं से, जिन्होंने हमें बताया कि हमें आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं करना चाहिए जो कि स्किन के लिए खराब होते हैं। कैमरा मैन अजय के साथ मैं हूँ काजल वर्मा, KNN न्यूज़।